आमिर खान ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा तारे जमीन पर से है खास कनेक्शन। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपनी आगामी फिल्म की घोषणा कर दी है। 7/2022 में आई फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। इसके बाद आमिर ने कुछ समय के लिए एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था। वही अब फिर से मिस्टर परफेक्शनिस्ट फिल्मों में कमबैक करने के लिए तैयार है। इस बात का खुलासा खुद आमिर ने ही किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने बताया कि वह बहुत जल्द अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए आ रहे हैं। आमिर कहते हैं कि मैंने अभी अपनी आने वाली फिल्म के बारे में पब्लिकली ज्यादा चर्चा नहीं की है। फिलहाल मैं बस फिल्म का नाम ही बता सकता हूँ। फिल्म का नाम सितारे जमीन पर है। ये फिल्म मेरी पुरानी फिल्म तारे जमीन पर से थोड़ा मेल खाती है। एक्टर ने आगे कहा कि हालांकि तारे जमीन पर की कहानी थोड़ी इमोशनल थी, लेकिन इस फिल्म को देखकर आपको खूब हंसी आएगी। सितारे जमीन पर में 9 बच्चों की कहानी दिखाई जाएगी जिन्हें कई सारे इश्यूज होते हैं। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि फिल्म को देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। बता दें कि आमिर की ये फिल्म अगले साल 2024 में रिलीज होगी। वही जब से फिल्म की घोषणा हुई है फैंस बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। वही आमिर को आखिर पर लाल सिंह चड्ढा में देखा गया था जहाँ उनके साथ करीना कपूर खान नजर आई थी। फिल्म की कहानी काफी यूनिक थी, लेकिन दर्शकों की तरफ से फिल्म को लेकर कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद आमिर ने एक्टिंग की दुनिया से ब्रेक लेने का फैसला कर लिया था। हालांकि आमिर द्वारा उनकी अगली फिल्म की घोषणा के बाद अब फैंस काफी एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों आप कितने बेसब्र हैं? आमिर की फिल्म सितारे जमीन को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।